हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज जॉब इन्फॉर्मेशन एंड माय नेम इज मनोज और आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इम्पोर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस एक स्टैटिक जीके पोर्शन का एक वीडियो हम देखेंगे फ्रेंड्स इस क्लास में, जो कि ग्रुप डी, NTPC, BPSC, SSC, बैंक एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस इम्पोर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ताकि आने वाली सभी जॉब नोटिफिकेशन एंड एडमिट कार्ड रिलेटेड एंड इस तरह आपको क्लास का बेनिफिट पा सके फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले आपको AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स जो कि मुंबई पे एंड फाउंडेड 22 अगस्त 1995 में, ऑनर अपरेंट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर में आता है फ्रेंड्स, जो कि AMFI। दूसरा फ्रेंड्स, आपको एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर न्यू दिल्ली में आपको बिलिंग करता है, इसका हेडक्वार्टर ओके। और फ्रेंड्स, इसका फाउंडर है डॉक्टर निरंजन हीरानंदनी, और फाउंडेड फ्रेंड्स आपको 1925 इसका ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड हुआ था, और BCCI का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा सौरभ गांगुली, एंड हेडक्वार्टर है मुंबई पर, एंड फाउंडेड December 1928 पे आपको इस ऑर्गेनाइजेशन जो कि बोर्ड आपको इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फ्रेंड्स, जो कि क्रिकेट को आपको कंट्रोल किया जाता है इस BCCI का। तो फ्रेंड्स, BFI बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेड 1950, स्पोर्ट आपको बास्केटबॉल यहाँ पर आपको फेडरेशन है फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे, एंड एफिलिएशन है आपको फीबा। ओके फ्रेंड्स, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिशन लिमिटेड, हेडक्वार्टर से फ्रेंड्स आपको न्यू दिल्ली, फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाउंडेड 13 नवंबर 1964 का इस भारत हैवी इलेक्ट्रिकल LTD आपको यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी गई है, इसका आपको जरूर याद रखिए, ताकि एग्जामिनेशन का कोई भी मिस्टेक ना हो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर DRDO का दी गई है, देख सकते हो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर फ्रेंड DRDO भवन न्यू दिल्ली पे, एंड इसका फाउंडेड 1958। ओके फ्रेंड्स, इस ईयर के भी याद रखिए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ईयर आपको DRDO इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और अभी कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स, जो कि अभी का चेयरमैन कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए ओके DRDO का। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दी गई फॉर्मेट 25 जनवरी 1950, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली फ्रेंड्स ओके। और 25 जनवरी का आपको नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है फ्रेंड्स पूरे देश में। और फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आपको दी गई EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर फाउंडेड 4 मार्च 1952 न्यू दिल्ली पे इसका हेडक्वार्टर दी गई फ्रेंड्स ओके, मेंशन की गई। और फ्रेंड, FICC फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसका प्रेसिडेंट अभी का दी गई है हर्षवर्धन जी का, एंड वर्ल्ड कैटवर्स आपको न्यू दिल्ली पे देखने को मिलेगा, एंड फाउंडेड 1927 पे इस जो कि फेडरेशन इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फ्रेंड्स ओके। और फ्रेंड, FSSAI जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फाउंडेड अगस्त 2011 पे इसका फाउंडेड हुआ था फ्रेंड्स, और सेक्टर फूड सेफ्टी का आपको काम करता है इस FSSAI, और जरिस्डिक्शन इंडिया एंड न्यू दिल्ली पे इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स ओके, याद रखिए। एंड फ्रेंड्स, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर से फ्रेंड बेंगलुरु में, और फाउंडर विक्रम साराभाई है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन आपको डिटेल देखिए, एंड इसका 15 अगस्त 1969 का यहाँ पर जो कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फाउंडर फ्रेंड्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फाउंडेड 4 जुलाई 1966 इंडिया, एंड हेडक्वार्टर से न्यू दिल्ली।
सेल प्रिंट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फाउंडेड 19 जनवरी 1954, हेडक्वार्टर्स प्रिंट न्यू दिल्ली, CEO अभिका ए शर्मा मंडल फ्रेंड्स। इसका याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी जो कि पिछले बार इस क्वेश्चन SSCGD एंड MTS में दो बार आया था फ्रेंड्स, ओके, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि CGL में जो कि टायर वन में आया था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन, तो इसके लिए याद रखिए, जो कि फाउंडेड है 12 मार्च 1992, सेक्टर सिक्योरिटी मार्केट का आपको ध्यान रखते हैं, और जरिस्टिक्शन इंडिया एंड इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स मुंबई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, ओके, एंड TRAI। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फाउंडेड 20 फरवरी 1997, सेक्टर टेली कम्युनिकेशन, जरिस्टिक्शन इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ट्राई जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको टेलीकम्युनिकेशन का आपको रेगुलेटरी करता है फ्रेंड्स, ओके, फॉर एग्जांपल जियो जो कि एयरटेल वोडाफोन, इसका आपको टेलीकम्युनिकेशन का रेगुलेटरी करता है फ्रेंड्स ट्राई, ओके। और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, ओके फ्रेंड्स, 23 अगस्त 2003 में इसका जो कि अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फ्रेंड्स, आपको पेंशन का काम करता है फ्रेंड्स, और इसका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर दिए, एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1951 का इसका जो कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फ्रेंड्स, और सेक्टर है फिल्म रेटिंग सिस्टम का काम करता है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, और फ्रेंड्स जरिस्टिक्शन इंडिया, हेडक्वार्टर्स मुंबई पे आपको दिए। और फ्रेंड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो कि December 2010 पे फाउंडेड हुआ था फ्रेंड्स, एंड उसका हेडक्वार्टर लोकेशन दिए न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कि इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल आपको जो कि RBI जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का आपको इस क्वेश्चन देखने को मिला था फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान में रखते हुए देखना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन PFIEO 1965 फाउंडेड हुआ था फ्रेंड्स, नीरज भवन राव, तुलाराम मार्ग, ओके। और फ्रेंड्स इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन IEEE फाउंडेड इन 1989, हेडक्वार्टर हरियाणा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज फाउंडेड 1 मार्च 1988, हेडक्वार्टर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, ओके। यहाँ पर आपको जो कि CHSL का इस क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स 2017 में, एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR फाउंडेड इन 1942, एडकर्स नई दिल्ली पे आपको अवेलेबल है फ्रेंड्स। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO फाउंडेड इन 1951, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली। देखिए फ्रेंड्स इस जो कि क्लास को मैं जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको सॉल्व हो जाए, ताकि आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा ना लगे फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स आपको दो बार देख दीजिए, आपको याद रह जाएगा फ्रेंड्स, ओके। और फ्रेंड देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB फाउंडेड इन 1974, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे आपको मिलेगा फ्रेंड्स। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI फाउंडेड इन 1851, जो कि बहुत ही पुराना जो कि सर्वे फ्रेंड्स जो कि आपको जियोलॉजिकल का काम करता है, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में देखने को मिलेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि मेडिकल पे आपको काउंसिल करता है फ्रेंड्स, फाउंडेड इन 1911, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली पे आपको देखने को मिलेगा। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA फाउंडेड इन 1999, हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आपको एग्रीकल्चर का रिसर्च के काम करता है फ्रेंड्स इस जो कि काउंसिल, एंड फाउंडेड इन 1929, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली पे आपको अप्लाई फ्रेंड्स। इनलैंड वाटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
फाउंडेड इन 1986 हेड क्वार्टर्स न्यू दिल्ली पे, सॉरी नोएडा पे आपको दी गई फ्रेंड्स। ओके और फ्रेंड्स यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर फाउंडेड इन 1956 हेड क्वार्टर्स है मुंबई पर। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन IBPS PO एंड IBPS क्लर्क में आपको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आपको जो कि याद रखिए फ्रेंड्स। ओके और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दी गई फाउंडेड इन 1933 हेड क्वार्टर्स फ्रेंड न्यू दिल्ली, एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ओके फाउंडेड इन 1961 एंड हेड क्वार्टर्स न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी आपको जो कि टीचिंग एग्जामिनेशन का आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखिए फ्रेंड्स। ओके एंड यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, इस क्वेश्चन का आपको फ्रेंड्स SSCGD में रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखते ही देखना होगा, जो कि फाउंडेड इन 1961 हेडक्वार्टर्स फ्रेंड न्यू दिल्ली। तो ओके फ्रेंड्स इस वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए एंड आपको इस दोबारा देख दीजिए ताकि आपको याद रह जाएगा फ्रेंड्स। ओके और फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।